सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। दिगरा शहर में खुली पड़ी नालियों से दुर्घटनाओं में इजाफा होने का डर है। हाल ही में एक छात्रा के नाली में गिरने से उसे मामूली चोट आई है। इस बारे में पालिका प्रशासन ने जल्द से जल्द नालियों और रेलिंग लगाने के काम का आश्वासन दिया है। पेश है दिगरा संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। यवतमाल जिले के दिगरा शहर में स्कूल जा रही एक छात्रा अचानक संतुलन बिगड़ने से स्कूल गेट से सटी नाली में जा गिरी। इस घटना से संबंधित स्कूली छात्रा को मामूली चोटें आई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए दवाखाने ले जाया गया। गौरतलब है कि शहर में जगह जगह पर नालियां खुली पड़ी हुई है। मालूम हो कि शहर की नालियों पर अतिक्रमण बढ़ने से बीते कई सालों से नालियां बंद पड़ी हुई थी, जिस वजह से शहर के मोहल्लों में बारिश का पानी घुसने का डर लोगों को सता रहा था। इस बात के मद्देनजर बीते दिनों नगर पालिका ने अतिक्रमित नालियों को अतिक्रमण के चंगुल से छुड़ा तो लिया, लेकिन इन गहरी नालियों को खुला छोड़ दिया, जिस वजह से नालियों से सटे रास्ते से गुजरने वाले नागरिकों पर नाली में गिरने का डर बना रहता है। नगर पालिका को वक्त रहते इन नालियों को रेलिंग लगाकर स्कूल आने जाने वाले विद्यार्थियों सहित आम राहगीरों को निजात दिलाना जरूरी है। इस बारे में एनबीसी न्यूज चैनल ने दिग्रस नगर पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी से बात की और उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे है। जे बारा भाई मोहल्ला मतलब जो नाला में ओपन केला ना तेथे दोन्ही बाजू नाल्याच्या नाला तो रोड लेवलला आहे, त्याच्यामुळे ती पाणी माती त्या नाल्यामध्ये पडते। म्हणून आम्ही आधीच प्रोव्हिजन केलेली आहे की ती 1 फीट वॉल आम्ही ते जो नाला आहे रोडवरून 1 फीट उंच अशी वॉल ती घेणार आहोत, त्याच्यामुळे लोक पडणार नाहीत आणि माती किंवा काही पडून नाला बुजणार नाही। हे आमचे प्रोव्हिजन आहे, उद्यापासून ते काम सुरू करू। मालूम हो कि इससे पहले भी एनबीसीएन न्यूज चैनल ने खुली पड़ी हुई शहर की नालियों का मुद्दा उठाया था। खुली पड़ी गहरी नालियां शहर के यातायात सहित नागरिकों की जानमाल के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है, इस ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। पालिका प्रशासन ने इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दे तो दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि पालिका इन नालियों पर 1 फीट की रेलिंग वॉल बनाने में आखिर कितना समय लगाती है। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।